अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम और संजीदा मौजू। आज वजीर दाखला अमित शाह ने कहा कि अगर रियासत कर्नाटक में कांग्रेस आती है तो यहाँ फसादात का दौर शुरू हो सकता है। आखिर यह धमकी है या पैगाम, इस पर ही आज का मौजू। सियासी खुमार चढ़ने लगा है। उत्तर भारत से भी कई नामवर और दिग्गज सियासी लीडरों की चहल पहल पूरे रियासत में देखी जा रही है। अब धर्म एक बार फिर मरकजी मौजू बनता जा रहा है, क्योंकि भाजपा मजहबी कार्ड के बगैर सियासी तौर पर जिंदा नहीं रह सकती, ऐसा एक बार फिर महसूस किया जा रहा है। आज योगी की मंडी में रैली हुई तो वजीर दाखला अमित शाह भी अवामी इजलासों को मुस्तकिल मुखातिब होते हुए रियासत कर्नाटक में देखा जा रहा है। हो सकता है कि मोदी भी जल्द रियासत कर्नाटक में आ जाए। मुल्क संविधान से चलता है, अदलिया इंतजामिया से चलता है, ऐसा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब संविधान की कसम खाकर संविधान और इस मुल्क की हिफाजत की कसम खाने वाले ही जब संविधान की धज्जियां उड़ाने लगते हैं तो सोचना पड़ता है कि आखिर इस देश का क्या होने वाला जब इस मुल्क का संविधान ही खतरे में आ जाए। लिहाजा आज वजीर दाखला अमित शाह ने एक बार फिर खुले मंच से बड़ी बात कहते हुए कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आती है तो रियासत में फसादात होंगे। बात की गहराई को समझने की जरूरत है। आखिर किस बुनियाद पर अमित शाह इस मुल्क के गृह मंत्री है कहते हैं, आखिर किस सोच विचारधारा से ये मुतासिर है? अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो फसादात होंगे। इससे पहले भी इसी तरह के बयान देते हुए कहा था कि अगर भाजपा हुकूमत में आएगी तो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो मुल्क किस दौर से गुजर रहा है, एक तरह से शर्म की बात ही कह सकते हैं कि भारत किसी और मामले में नहीं तो आबादी में दुनिया में अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है। मुल्क हंगर इंडेक्स में और पस्ती में जा रहा है। गरीब मुल्कों की फहरिस्त में भारत का नाम दर्ज हो चुका है। रिश्वतखोरी की फहरिस्त में भी भारत आगे है। कर्जदार मुल्कों में भी भारत पेश है। बेरोजगारी पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। महंगाई ने भारत को भुखमरी के कगार पर मुल्क को खड़ा कर दिया है और वजीर दाखला इस मुल्क में अमन सुकून और तरक्की की बातों के बजाय क्या बयानात के जरिए पैगाम देना चाहते हैं? मुसलमान मंदिर मस्जिद रिजर्वेशन फसादात, क्या यही रह गया? इस बयान के बाद कई इल्मी माहिरीन ने इतराजात दर्ज करते हुए क्या भाजपा फसादात बर्पा करना चाहती है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। रामनवमी के वक्त बिहार में फसादात बजरंग दल आरएसएस की जानिब से करवाई जाने की बात कही जा रही है। इसी तरह बंगाल में भी भाजपा आरएसएस बजरंग दल मुलव्विस होने की बात ममता बनर्जी ने कही। दिल्ली में भी इसी तरह की बात सामने आई। मतलब जहां भी भाजपा की हुकूमत नहीं आती वहां फसादात के जरिए माहौल को खराब करने का मंसूबा फिरका परस्तों की जानिब से करने की बात बारहा सामने आई है। अक्सर कहा जाता है कि जब से भाजपा आई है फसादात नहीं हो रहे। बेलगाम में भी इस तरह का जिक्र बारहा आपने सुना होगा कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कितनी छोटी मुसलमानों की सोच होती जा रही है। तुम्हारे दीनी दरसगाहों पर हमले होते हैं तो होते रहे, नए कानून के जरिए दीनी मामलात में मदाखलत होती है तो होती रहे, लेकिन शहर में फसादात नहीं हो रहे। यही एक पैमाना मुसलमानों ने निकाल लिया है कि कितने अच्छे भाजपा वाले हो रहे। इसलिए भाजपा अब कुछ लोगों को अब अच्छी लगने लगी है, इसे भी समझना मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया तो मीडिया मोदी सरकार को सवाल करने से बचती नजर आई। उल्टा आतिक के मामले को लेकर कातिलों पर सवाल पूछने की बजाय आतिक कितना खतरनाक था और इसके घर के खवातीन तक कितने खतरनाक है और इसे समाजवादी पार्टी ने कैसे बड़ा बनाया, इस पर डिबेट देखी जाने लगी। मतलब एक तरह से संविधान का कत्ल इस दौर की हुकूमत की जानिब से किया जा चुका है। अमित शाह के बयान को संजीदगी से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि, और कई लोगों ने इशारा देते हुए कहा कि अगर भाजपा हुकूमत में नहीं आई तो फसादात के जरिए माहौल को खराब किया जाएगा। एक और बात गौर करने की यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर पहले बम धमाके हुआ करते थे, शायद आपको सभी को मालूम है, और दहशतगर्द का एक माहौल बनाया गया था। अब क्यों नहीं हो रहे? अगर वाकई दहशतगर्दों का ही इसमें हाथ था तो भाजपा को वैसे भी मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। भारत में सत्ता हासिल करने के लिए आरएसएस ही बम धमाके किया करती थी, ऐसा बयान आरएसएस के ही यशवंत शिंदे ने एटीएस के सामने दिया था। इसके बारे में पिछली बार हमने इस पर रिपोर्ट भी बनाई है। उसने अदालत में बहुत सारे तफसीलात पेश करते हुए दलीलें भी दी थी, लेकिन बात तो सोचने के काबिल है कि भारत में बम धमाके कैसे रुक गए। भले इसका क्रेडिट भाजपा अपने सर लेती होगी कि इनको डर कर जो है दहशतगर्द भाग गए, लेकिन दहशतगर्द कौन थे और कौन बम धमाके करते थे इसके कई सारे तफसीलात हैं, लेकिन यशवंत सिंधे ने वो जुर्रत कर दिखाई क्योंकि वो खुद आरएसएस का सरगर्म कारकुन रह चुका है। यशवंत सिंधे का कहना है कि भारत में हुए तकरीबन धमाकों में आरएसएस का ही हाथ था और मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर मुस्लिम विरोधी माहौल बनाया जाता था। इसी तरह मुशरिफ ने
करकरे को किसने मारा इस तरह की किताब के जरिए बंबई हमले के पीछे की कहानी बयान की थी। आज भी सैकड़ों मुस्लिम नौजवान उन धमाकों के इल्जामों में जेलों में बंद है जो इन्होंने किए ही नहीं। अक्सर तो कई साल बाद रिहा होते हैं, लेकिन सवाल तो उसी जगह पर खड़ा है कि जब मुस्लिम नौजवान 4 साल 8 साल 12 साल के बाद बाइज्जत बरी तो हो जाते हैं, तो फिर किस जुर्म की सजा इन्हें जेल में रख कर दी गई? क्या उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होगी? क्या हुकूमतों से सवाल किया जाएगा? या इसी तरह बेगुनाह जेलों में सड़ते रहेंगे जबकि जुर्म कोई और करता है? आपको सुनकर यह भी ताज्जुब होगा कि आज भी बेलगाम शहर के 2 नौजवान अब भी गुजरात जेल में पिछले 14 सालों से अंडर ट्रायल बनकर कैद में। भाजपा हो या कांग्रेस, बेगुनाह कैदी बनकर कैद खानों में एक ही समाज के लोग निशाने पर रहे। अब जब कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होने की उम्मीद नजर आ रही है तो भाजपा के आला लीडर गृह मंत्री अमित शाह फसादत का डर दिखा रहे। आज भी कर्नाटक के 400 से ज्यादा नौजवान महज एहतजाज के जुर्म में UAPA के तहत जेलों में बंद है। मतलब ये कहना कि जब से भाजपा हुकूमत में आई है फसादत नहीं हुए या बम धमाके नहीं हुए गलत है, क्योंकि पैगाम सीधा दिया जा रहा है कि अगर आप भाजपा को नहीं जिताएंगे तो फसादात होंगे। ऐसे वक्त में मुसलमानों को बड़ा ही चौंकना होना होगा, और जो कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर कहती है इसे भी बड़ी सख्ती से कदम उठाने होंगे, क्योंकि फसादात कोई और करता है और इसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है, जिससे मुस्लिम समाज को डर खौफ के साए में रहना पड़ रहा है। बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने RSS बजरंग दल पर नकेल कसी है, उसी तरह से सख्ती से कदम उठाने होंगे। कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस महकमा दायरों को छोड़कर काम करने की कोशिश करती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई करनी होगी। कर्नाटक में हुकूमत तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। बेलगाम में भी अक्सर आपने ये कहते हुए देखा होगा कि जब कांग्रेस MLA था तो फसादात होते थे, लेकिन जब से भाजपा आई है तो कोई जेल नहीं गया वगैरह। लिहाजा एक तरफ खाई तो एक तरफ पहाड़ की कैफियत मुस्लिम समाज की है। भाजपा इख्तदार पर आती है तो अजान, हिजाब, हलाल, मॉब लिंचिंग, मुसलमानों का बायकॉट, मजहब तब्दीली कानून, रिजर्वेशन रद्द करना, मस्जिदों के नीचे मंदिर और भी ऐसे बयान, खुले मंचों से मुसलमानों को नरसंहार किया जाएगा वगैरह इस तरह के दिए जाते हैं। अगर एहतजाज करोगे तो UAPA का बेजा इस्तेमाल, और अगर भाजपा हारती है तो फिर बम धमाके फसादात का दौर शुरू हो सकता है, और यही आज पैगाम दिया जा रहा है। लिहाजा ऐसे नाजुक वक्त में मुसलमान और दिगर मजाहिब के लोग मुल्क के एकता अखंडता को बरकरार रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह सिर्फ मुसलमानों का अकेलों का काम नहीं है, इस तमाम को मिलकर इस मुल्क को बचाना है। क्योंकि पिछले कई सालों से यह तमाम खून खराबा और मंदिर मस्जिद हिंदू राष्ट्र वगैरह देख ही रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भारत को एक बार फिर से इस दौर में तश्कील देने की जरूरत है, और इन तमाम को भारत का संविधान ही जोड़े रखता है। जरूरत है फिरका परस्तों को दूर रखकर एकता अखंडता को परवान चढ़ाने की, वरना जिस तरह की धमकियां आज बड़े लीडर दे रहे हैं और गरीबी के खाई में धंसता भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ मुफाद परस्त लोग अपने जाति मुफाद के मुल्क की अजमत को ही दांव पर लगाने का मंसूबा बना चुके हैं। इसे समझने की जरूरत है और फैसला हम सभी को करने की जरूरत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।